हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर। चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ से एमसीक्यूज क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैं मैकबेथ की समरी को डिस्कस कर चुका हूँ। जिस किसी ने समरी न देखी हो तो वह BA6 सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर मैकबेथ की समरी को देख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द MCQ पार्ट फर्स्ट ऑफ मैकबेथ। और पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द लॉफुल न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड वॉज, यानी वैधानिक रूप से स्कॉटलैंड का नया राजा बना था तो कौन बना था? तो जो मेलकम है वैधानिक रूप से स्कॉटलैंड का राजा बना था, क्योंकि इसके पहले जो स्कॉटलैंड के राजा थे वो किंग डंकन थे और उनकी मृत्यु के पश्चात मैकबेथ राजा बना। लेकिन जो कानूनी रूप से, जो वैधानिक रूप से स्कॉटलैंड का राजा बना था वह है मेलकम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर इज डंकन किल्ड, कहाँ पर डंकन की मौत होती है, उसको मारा जाता है? इन हिज बेड चैम्बर एट मैकबेथ कैसल, यानी मैकबेथ के कैसल यानी महल में उसके बेड चैम्बर पर राजा डंकन की हत्या कर दी जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु किल्स बैंक्यू, बैंक्यू की हत्या कौन करता है? तो बैंक्यू की हत्या होती है अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाई मैकबेथ, मैकबेथ के द्वारा एक ग्रुप ऑफ मर्डरर्स, जो हत्यारों का जो गैंग था उसको हायर्ड किया जाता है और बैंक्यू की हत्या कराई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड लेडी मैकबेथ डेथ, लेडी मैकबेथ की मौत। नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उसकी मौत को डिस्क्राइब करता है? तो लेडी मैकबेथ की मौत को जो डिस्क्राइब करता है, सी डाइज ऑफ स्टेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी मंच से बाहर लेडी मैकबेथ की मौत होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन, यानी डंकन को मारने से पहले मैकबेथ के पास क्या दृष्टि थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ही सीज अ फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर, यानी कि वह एक फ्लोटिंग डैगर, तैरता हुआ खंजर देखता है जो उसे डंकन के कमरे की ओर इशारा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच नेशंस आर्मी इन्वेड्स स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत में कौन से देश की जो आर्मी थी इन्वेड्स मतलब आक्रमण करती है, स्कॉटलैंड पर आक्रमण करती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड देश की जो आर्मी है स्कॉटलैंड पर आक्रमण करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैकबेथ इज ए, मैकबेथ क्या है? तो दोस्तों, मैकबेथ आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैकबेथ इज रिटन बाई, तो मैकबेथ जो स्टोरी है, जो ट्रेजेडी है, वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैकबेथ वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन, मैकबेथ को पहली बार परफॉर्म्ड कब किया गया? तो दोस्तों, मैकबेथ को पहली बार परफॉर्म्ड किया गया था 1606 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, मैकबेथ इज वन ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की चार ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक ग्रेट ट्रेजेडीज का नाम है मैकबेथ। द अदर थ्री ट्रेजेडीज आर,
बाकी की तीन ट्रेजडीज कौन सी हैं ये आपको पता लगाना है। तो बाकी की जो तीन ट्रेजडीज हैं मैकबेथ के बाद वो है ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों चारों ट्रेजडी को पता लगाने की एक ट्रिक है, वो है हुकम, HOKM। ये है मैकबेथ की चार ट्रेजडी। H से मतलब हैमलेट, O से मतलब ओथेलो, K से मतलब किंग लियर और M से मैकबेथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैकबेथ वॉज, मैकबेथ क्या था? तो मैकबेथ एक ब्रेव जर्नल था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डंकन वॉज द किंग ऑफ, जो राजा डंकन थे वो कहाँ के राजा थे? तो ये राजा थे स्कॉटलैंड के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद हुम आर द स्कॉट्स एट वॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। प्ले की शुरुआत में युद्ध के दौरान जो स्कॉटिश लोग थे, जो स्कॉट्स लोग थे, विद हुम वो किसके साथ थे? तो स्कॉटिश जो थे वो नॉर्वे के साथ में थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच सेंचुरी डज द स्टोरी टेक प्लेस, ये जो स्टोरी है किस सेंचुरी में टेक प्लेस करती है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वॉट डिड विचेस प्रेडिक्टेड मैकबेथ, जो विचेस थी, जो चुड़ैलें थी, उन्होंने मैकबेथ के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया था, क्या भविष्यवाणी दी थी? तो चुड़ैलें ने, जो तीन चुड़ैलें थी, उन्होंने मैकबेथ के बारे में भविष्यवाणी की थी कि जो मैकबेथ है जल्दी ही किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा, यानी सून ही विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हु डिस्कवर्ड डंकन्स बॉडी, कौन डंकन की बॉडी को डिस्कवर करता है? तो जो मैकडफ है वो डंकन की बॉडी को डिस्कवर करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेडिसेसर ऑफ मेलकम, मेलकम का प्रेडिसेसर्स कौन था? प्रेडिसेसर्स का मतलब पूर्ववर्ती, तो जो राजा डंकन थे वो मेलकम के प्रेडिसेसर्स थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हु ऑफर्स मैकबेथ टू किल डंकन, कौन ऑफर देता है राजा डंकन को मारने के लिए मैकबेथ को? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लेडी मैकबेथ, यानी मैकबेथ की जो पत्नी है राजा डंकन को मारने के लिए मैकबेथ से कहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, व्हाट वर द नेम्स ऑफ किंग डंकन्स चिल्ड्रन, राजा डंकन के पुत्रों का क्या नाम था? तो राजा डंकन के दो बेटे थे, एक मेलकम और दूसरा डोनाल्बेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू बैंक्यू, बैंक्यू के साथ क्या होता है? तो दोस्तों, ही इज किल्ड बाई मैकबेथ असैसिन्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो बैंक्यू है वह मैकबेथ के हत्यारों के द्वारा मारा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, हु वॉर्न, कौन चेतावनी देता है लेडी मैकडफ टू लीव हर हाउस, यहाँ पर मैकबेथ होगा, नहीं सही है, मैकडफ है। हु वॉन्स लेडी मैकडफ टू लीव हर हाउस, कौन लेडी मैकडफ को अपना घर छोड़ने के लिए कहता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ए मैसेंजर, एक दूत होता है, वो लेडी मैकडफ को अपने घर को छोड़ने के लिए कहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु बिकम्स द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत में कौन स्कॉटलैंड का राजा बनता है? तो मेलकम वैधानिक रूप से स्कॉटलैंड का राजा बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, मैकबेथ डिफीटेड, मैकबेथ पराजित हुआ था, तो कैसे पराजित हुआ था? ए रेबेल आर्मी लेड बाई द थेन ऑफ कैडर एंड असिस्टेड बाई द आर्मी ऑफ नॉर्वे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है,
द टू जर्नल्स ऑफ स्कॉटलैंड वर, स्कॉटलैंड के दो जर्नल्स कौन कौन से थे? तो स्कॉटलैंड के दो जर्नल थे, उनका नाम था मैकबेथ एंड बैंक्यू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑन द वे फ्रॉम द ग्रेट बैटल मैकबेथ एंड बैंक्यू वर स्टॉप्ड बाई, जब मैकबेथ और बैंक्यू बैटल को जीतकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनको किसने रोका? तो आपको पता है थ्री विचेस, तीन चुड़ैलों ने मैकबेथ और बैंक्यू को रोक लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द थ्री विचेस लुक्ड लाइक वोमेन एक्सेप्ट इन, तीन चुड़ैलें महिलाओं की तरह दिखती थीं सिवाय इसके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बियर्ड्स, बियर्ड्स मतलब दाढ़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन मैकबेथ एंड बैंक्यू शो द थ्री विचेस, जब मैकबेथ और बैंक्यू ने थ्री विचेस, तीन चुड़ैलों को देखा तो देवर, तो वो क्या करने लगे? तो मैकबेथ और बैंक्यू चुड़ैलों को देखकर डांसिंग एंड सिंगिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डांस करने लगे और सिंगिंग, गाना गाने लगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द सॉन्ग ऑफ द थ्री विचेस बिगिंस विद, तीन चुड़ैलों का जो गीत है वो स्टार्ट होता है तो किससे स्टार्ट होता है? तीन चुड़ैलें गाना गाती हैं, गीत गाती हैं, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बैंक्यू हिज डियरेस्ट फ्रेंड वॉज, बैंक्यू के अनुसार उनका डियरेस्ट फ्रेंड कौन था? तो बैंक्यू के अनुसार उसका जो डियरेस्ट फ्रेंड था उसका नाम है मैकबेथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंक्यू द विचेस आर, यानी बैंक्यू के अनुसार जो चुड़ैलें थीं वो क्या थीं? तो बैंक्यू के अनुसार जो चुड़ैलें थीं वो मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस थीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी अंधकार के मंत्री थीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बैंक्यू द मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रुथ इन, यानी बैंक्यू के अनुसार जो मिनिस्टर ऑफ डार्कनेस थी टेल अस ट्रुथ, हमें सत्य बताते हैं, तो वो कौन सा सत्य बताते हैं? तो जो चुड़ैलें हैं वो सत्य बताती हैं लिटिल थिंग, यानी बहुत कम चीज़ों के बारे में बताती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन हिज लेटर, अपने पत्र में मैकबेथ टोल्ड हिज वाइफ, मैकबेथ ने अपनी पत्नी से कहा अबाउट, किसके बारे में? तो दोस्तों द प्रेडिक्शन ऑफ द थ्री विचेस, ये भी सही है, यानी तीन चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बारे में बताता है, और द पार्शियल अकम्प्लिशमेंट ऑफ दीज प्रेडिक्शंस, इन भविष्यवाणियों के आंशिक उपलब्धियों के बारे में भी जो मैकबेथ है पत्र के माध्यम से अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताता है। तो इसलिए जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ वॉज बाई नेचर, लेडी मैकबेथ नेचर से कैसी थी? तो लेडी मैकबेथ अपने नेचर से एक्सट्रीमली एम्बिशस थी, यानी अत्यधिक महत्वाकांक्षी थी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द कैसल ऑफ मैकबेथ वॉज, मैकबेथ के कैसल यानी महल का क्या नाम था? तो मैकबेथ के कैसल यानी महल का नाम था इनवरनेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनवरनेस द कैसल ऑफ मैकबेथ, ये जो इनवरनेस है मैकबेथ का महल का नाम है, वॉज सिचुएटेड ऑन, कहाँ पर स्थित था? तो मैकबेथ का जो महल था इनवरनेस वो एक हिल पर स्थित था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ के अनुसार मैकबेथ वॉज, मैकबेथ क्या था? तो लेडी मैकबेथ के अनुसार जो मैकबेथ था वो था एम्बिशस, महत्वाकांक्षी था, बट नॉट क्रिमिनल माइंडेड, लेकिन क्रिमिनल माइंडेड नहीं था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू किल डंकन लेडी मैकबेथ कैरीड विद हर, डंकन को मारने के लिए लेडी मैकबेथ उसके साथ चली गई,
तो क्या लेकर गई थी? एक डैगर, एक खंजर, एक चाकू लेकर गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डंकन स्टेड एट मैकबेथ कैसल एज। डंकन मैकबेथ के महल में स्टेड मतलब रुका था, तो किसके रूप में गया था? तो एक गेस्ट के रूप में गया था, एक अतिथि के रूप में गया था, और वहीं रात के उसकी हत्या मैकबेथ के द्वारा चाकू मारकर, डैगर मारकर कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ डंकन वॉज, यानी मैकबेथ के अनुसार जो डंकन था वो क्या था? तो मैकबेथ के अनुसार जो राजा डंकन था वो जस्ट, ईमानदार था, एंड बेनेवोलेंट, और उदार था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और अगला जो क्वेश्चन है आपका, लेडी मैकबेथ सफर्ड फ्रॉम, लेडी मैकबेथ किससे सफ़र कर रही थी, किससे परेशान थी? तो एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है सोमनैम्बुलिज्म, सोमनैम्बुलिज्म। तो ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, नींद में चलने वाली बीमारी होती है, और उस बीमारी का नाम है सोमनैम्बुलिज्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन वॉज शेक्सपियर बॉर्न, विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए? तो सबको पता है विलियम शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, वेयर वॉज शेक्सपियर बॉर्न, शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ? तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन नामक जगह में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट, विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने प्ले लिखे? तो विलियम शेक्सपियर ने टोटल 37 प्ले लिखे। नेक्स्ट, हाउ मैनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट, विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितनी सोनेट्स लिखी? तो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज शेक्सपियर व्हेन ही मैरिड एनी हैथवे, शेक्सपियर की उम्र उस समय क्या थी जब विलियम शेक्सपियर ने एनी हैथवे के साथ शादी की? तो उस समय विलियम शेक्सपियर की उम्र थी 18 ईयर। ऑप्शन सी। व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर वाइफ, विलियम शेक्सपियर की वाइफ का क्या नाम है? अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनी हैथवे, तो इस क्वेश्चन में जो विलियम शेक्सपियर की वाइफ है वो एन हैथवे है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेक्सपियर वॉज द फादर ऑफ डेस चिल्ड्रेन, यानी विलियम शेक्सपियर के कितने बच्चे थे? तो विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ मैनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट, वास्तव में शेक्सपियर ने कितने वर्ड्स इन्वेंट किए थे? तो अबाउट 3000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वॉज द लास्ट प्ले रिटन बाई विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया लास्ट प्ले कौन सा है? तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया लास्ट प्ले था द टेम्पेस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ ओल्ड वॉज शेक्सपियर वैन ही डाइड, जब शेक्सपियर की मृत्यु हुई उस समय विलियम शेक्सपियर कितने साल के थे? तो उस समय विलियम शेक्सपियर 52 साल के थे। दोस्तों विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है 1564 में, और इनकी मृत्यु होती है 1616 में। तो इस तरीके से इनकी जो उम्र थी वो 52 साल की थी जब इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेक्सपियर डाइड ऑन, शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई? तो अप्रैल 23, 1616। ऑप्शन ए, यानी 23 अप्रैल 1616 को विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेस इज द शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले, विलियम शेक्सपियर के शॉर्टेस्ट प्ले का नाम बताना है। तो विलियम शेक्सपियर का जो शॉर्टेस्ट प्ले था उसका नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेस इज द शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले, विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले कौन है? तो विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले एक ट्रेजेडी है और उसका नाम है हैमलेट। तो दोस्तों ये था आपका MCQs क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इंग्लिश बाई छबी सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। पर हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाई छबी सर चैनल।